लोहड़ी से पहले सर जी मेरा घर में गया, मेरा छोटा बच्चा है ठीक है, तो ये तो सामान ले गए थे, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तो मैंने जब बच्चे की अपनी शक्ल देखी ना तो ना रोना आया ना मेरे को कि मैं इसके लिए यार ये गिफ्ट भी नहीं लेके गया यार, बात है ना यार। दोपहर का टाइम था कोई 2:30 बजे, तो मैं खाना खाने गया था ठीक है, तो वापसी में आया तो उन्होंने सारा सामान कचरे की तरह अंदर डाल रहे थे। उसका काम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ का काम करते हैं हम, कहाँ जाएँ। अब इसके पैसे देने हैं, वो जो ये लिखे गए वो सामान उन्होंने तोड़ दिया हुआ। हाय, आई एम अवंतिका एंड वेलकम टू द न्यूज़ रेडार। ये है धर्मशाला निवासी अमित कुमार, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं पर गरीब हैं। कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा पिछले दिनों जो बर्बरता की गई है उसमें इसका परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आइए हम इनसे बात करते हैं। 10 तारीख को हम यहाँ पे दुकान लगाया ठीक है, तो दोपहर का टाइम था कोई 2:30 बजे, तो मैं खाना खाने गया था ठीक है, तो वापसी में आया तो उन्होंने सारा सामान कचरे की तरह अंदर डाल रहे थे ठीक है, वो भी नहीं देख रहे थे कि ये सामान है या उसकी कोई डिटेल होती है, उन्होंने ना ही उसका कुछ बनाया बिल कि इतना सामान हम यहाँ से लेके जा रहे हैं ठीक है, ना कुछ किया उन्होंने, इन्होंने डायरेक्टली सामान उठाया और अंदर डाल दिया, ना ही हमें कोई पेपर बताए गए कि यहाँ पे मतलब आप यहाँ के उठाने की परमिशन इनके पास नहीं थी, तब भी यहाँ पे आ गए ये, इन्होंने उठा दिए बेफालतू में। बाद में मैडम जी सामान कचरे की तरह डाला ठीक है, ये टूटने वाला सामान है सारे, ये 5-10 पीस में क्या होगा, इसमें मैं क्या करूँगा बताओ आप। ये देखो इसका काम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ का काम करते हैं हम, कहाँ जाएँ बताओ। लोहड़ी से पहले सर जी मेरा घर में गया, मेरा छोटा बच्चा है ठीक है, तो ये तो सामान ले गए थे, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तो मैंने जब बच्चे की अपनी शक्ल देखी ना तो ना रोना आया ना मेरे को कि मैं इसके लिए यार ये गिफ्ट भी नहीं लेके गया यार, बात है ना यार। तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे ये रेडी लगाने के क्या आप चार्जेस देते हैं यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? पहले लेते थे चार्जर, ये 50 रुपये पर्ची काटते थे, मगर इन्होंने 2.5-3 साल से हमारी बंद कर दी यहाँ पे काटना पर्ची। तो अगर आप पर्ची कटवाते थे तो आपने दोबारा पर्ची क्यों नहीं कटवाई आपने, मतलब आप बात नहीं की उनसे? नहीं बात की, मगर वो बात भी करने के लिए तैयार नहीं होते थे, डायरेक्टली यहाँ से जाते थे और कुछ नहीं। आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैडम जी मैं सरकार को यही बोलते कि यार आपको ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं बैठ देना, कहीं हमें छोटी मोटी जगह दे दो हैं, नो प्रॉब्लम हम वहीं पे बैठ लेंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर आप आते हो सीधा ना कुछ बताते हो कि हमारा मतलब आपके ये वो है, सिर्फ इन्होंने हमारे 12-13 बंदूक काटे और किसी को उन्होंने टच नहीं किया, बिल्कुल टच नहीं किया। और नजायज मैडम जी मैं क्या बोलूँ, किसी के अंग्रेज नहीं बोलना चाहता, अच्छा नहीं लगता ऐसे ठीक है, सब अपने कमाई के लिए है। बस मैडम जी ये स्टोरी है कि आप हमें अब हमें मैं कहाँ से करूँ, मेरे को बताओ आप। अब अब इसके पैसे देने हैं, वो जो ये लिखे गए वो सामान इन्होंने तोड़ दिया हुआ सारा का सारा, ये नहीं कि इन्होंने वो किया कि मतलब ये नहीं किया कि इन्होंने सामान गायब किया या कुछ किया, वो नहीं किया, मगर इन्होंने सामान ही तोड़ दिया, जैसे कोई कचरा होता है वैसे करके इन्होंने अंदर डाला मंजा। अमित कुमार की सिर्फ यही अपील है कि चाहे उसको पैसे ना दीजिए पर उसका सामान वापस कर दीजिए, ताकि वो अपना रोजगार दोबारा से शुरू कर सके और जो उधार पे उसने सामान लिया है या उधार पे उसके पैसे हैं वो वापस कर सके। सरकार से वो बस इतनी ही अपील करते हैं।